हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड शुष्क पाठ योजना के अंतर्गत खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के बारे में। इसको खोजक प्रश्न कौशल या अनुशीलन कौशल भी कहते हैं। सबसे पहले आप कौशल का नाम लिखेंगे, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। विषय है रसायन शास्त्र, प्रकरण है जल प्राप्ति के साधन और समय है 8 मिनट। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक, इसके 5 घटक होते हैं, अनुबोधन क्रिया, अधिक सूचना प्राप्ति प्राविधि, पुनर्केंद्रीय तकनीक, समीक्षात्मक अभिज्ञता वृद्धि और पुनर्निर्देशन प्राविधि। विशिष्ट उद्देश्य, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास में दक्षता प्राप्त कराना। प्रस्तुतिकरण, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं। बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे कि पानी के कौन कौन से साधन हैं। ठीक, तो मान लीजिए बच्चा खड़ा होगा तो बताएगा सर समुद्र। बच्चे एक बार में ही पूरा क्वेश्चन का उत्तर नहीं देते हैं, आपको फिर कहना पड़ेगा कि पानी का और कौन सा साधन है। तो फिर मान लीजिए समुद्र के अतिरिक्त बताएगा कि नदी। उसके बाद फिर आप कहेंगे कि कोई और बताओ। तो मान लीजिए अगर वो उत्तर नहीं दे पाता है तो हम फिर उससे क्वेश्चन करेंगे कि समुद्र और नदी को जल कैसे मिलता है, ये अनुबोधन हो गया। तो बताएगा सर वर्षा से। तो हम कहेंगे तो बताओ वर्षा जल का एक और साधन है। तो बच्चे कहेंगे सर हाँ वर्षा जल भी एक जल का साधन है। हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि हमें वर्षा कैसे मिलती है। अब इसका कोई उत्तर छात्र नहीं दे पाएगा तो हम उनसे फिर अनुबोधन करेंगे कि हमें वर्षा कहाँ से मिलती है। तो सर बताएंगे बच्चे कि सर बादलों से हमें वर्षा मिलती है। कैसे मिलती है ये नहीं बता पाएंगे लेकिन कहाँ से मिलती है ये ज़रूर बता देंगे कि हमको बादलों से मिलती है। उसके बाद हम पुनः क्वेश्चन करेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। अब छात्र इसका जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि बादल कैसे बनता है, लेकिन वो कुछ और क्वेश्चन का जवाब जानता है। तो अध्यापक क्वेश्चन करेगा कि जब तरल स्पिरिट को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है। तो बच्चा बताएगा सर स्पिरिट जो होता है वो वातावरण में वाष्पित हो जाता है। तो हम कहेंगे अच्छा बहुत अच्छा, तो बादल कैसे बनता है। अब बच्चा समझ जाएगा कि बादल समुद्र के जल के वाष्पन से बनता है। उसके बाद हम पुनः क्वेश्चन करेंगे कि जब गीले कपड़े को धूप में रखा जाता है तो क्या होता है। तो बच्चा बताएगा कि सर कपड़ा सूख जाते हैं। क्या तुम गीले कपड़े को सुखाने की तुलना समुद्र जल के वाष्पन से कर सकते हो। तो बच्चा बताएगा जी हाँ, दोनों ही स्थितियों में वाष्पन की क्रिया होती है। उसके बाद हम पुनः क्वेश्चन करेंगे 13वां, क्या तुम बादल बनने की क्रिया की आगे व्याख्या कर सकते हो। अधिक सूचना प्राप्ति संकेत हो गया, ये घटक हो गया। तो बच्चा बताएगा समुद्र का जल वाष्पित होकर आकाश में बादलों के रूप में एकत्र हो जाता है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि समुद्र का जल वाष्पित क्यों होता है। तो बच्चा बताएगा सर सूर्य की ऊष्मा के कारण। फिर हम बच्चे से क्वेश्चन करेंगे कि वाष्पित जल का क्या होता है। तो बच्चा उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर हम उसको दूसरा क्वेश्चन करेंगे दूसरी तरह से कि तुमने उबलते हुए पानी और उससे निकलने वाले भाप को अवश्य देखा होगा, वाष्प किस दिशा में जाता है। तो बच्चा बताएगा सर ऊपर की ओर, इसलिए वाष्पित जल का क्या होता है। बच्चा जान जाएगा कि वो कहेगा सर ऊपर की ओर चला जाता है। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि अन्य कौन सा कारक वर्षा लाने में सहायक होता है। तो बच्चे बताएंगे सर हवाओं के द्वारा बादलों को उड़ा ले जाती है, हवाएं जो है बादलों को उड़ा ले जाती हैं। हम बादलों को कहाँ देखते हैं। तो बच्चे बताएंगे सर हम आसमान में बादलों को देखते हैं। तो हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि क्यों हम बादलों को आसमान में ही क्यों देखते हैं। तो बच्चा बताएगा क्योंकि बादल जो होते हैं हल्के होते हैं, यहाँ बाद लिखा हुआ है इसको बादल कहा जाएगा, क्योंकि बादल हल्के होते हैं इसलिए आसमान में दिखाई देते हैं। क्या तुम बादलों के ऊपर जाने की क्रिया तुलना किसी अन्य क्रिया से कर सकते हो। तो बच्चा बताएगा सर धुआं भी ऊपर जाता है। फिर छात्र क्वेश्चन करेगा कि जल वाष्पित होता है, संचित होता है, पिघलता है और वर्षा के रूप में धारण करता है और फिर समुद्र में गिर जाता है। क्या तुम इस घटना का संबंध किसी अन्य घटना से जोड़ सकते हो।
तुम पहले ही जान चुके हो। तो बच्चा बताएगा, जल एक पात्र में उबलता है, फिर ढक्कन लगा होता है, जल वाष्पित वहाँ होता है, ढक्कन से संचित होता है और वापस पात्र में गिर जाता है। तो टीचर बताएगा, बहुत अच्छा। अब ये हो गया क्वेश्चनात्मक प्रश्न, इसको प्रश्न क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन करता है और उन क्वेश्चन के जरिए जो मूल उत्तर होता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहाँ जल प्राप्ति के साधन उसका मुख्य लक्ष्य था, तो बच्चों को किसी न किसी माध्यम से जल कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में बच्चों को वो बताया। उसके बाद निरीक्षण तालिका होती है, इसमें जो घटक होते हैं घटक लिख दिया जाता है। जो निरीक्षक होता है, आपने घटकों का प्रयोग कैसा किया है, अच्छा किया है कि उत्तम किया है, सामान्य किया है, उसके लिए टिक का निशान लगाता है। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।